का बुरा नहीं चाहते। वो तत्परता में कहीं ना कहीं अच्छा करने का प्रयास करते हैं कि वो अच्छा हो, कुछ श्रेष्ठ हो। अब काशी नरेश ने अपनी बेटी कलावती को ब्याहने के लिए मथुरा में गए और मथुरा में एक दशाई नाम के राजा के साथ में दसाई नाम के राजा के साथ में काशी नरेश ने अपनी बेटी कलावती का विवाह कर दिया, कलावती को परिणा दिया। अब आज दसाई राजा के यहां जब कलावती पहुंची है, ये बड़ी सुंदर कथा है महाराज सिम्हा पुराण की, और इस कथा को स्कंद पुराण में भी लिखा गया है वेदव्यास जी ने कि शंकर के नाम जाप से, शिव के नाम स्मरण से, शिव के मंत्र से क्या फल की प्राप्ति होती है, इससे मालूम पड़ सकता है आपको, आपको ज्ञात हो सकता है कि शंकर के नाम का लाभ क्या है। अब शंकर के मंत्र का फल क्या है उससे प्राप्त हो सकता है हमारा। दसाई मथुरा के राजा के लड़के के साथ में, दसाई के साथ में कलावती का विवाह हो गया, कलावती प्रण आ गई। अब कलावती विवाह कर जब दसाई राजा के कक्ष में पहुंची है और दसाई राजा को देखकर कलावती ने स्पष्ट कह दिया कि राजन मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी, तुम मेरे करीब ना आइए, तुम मुझे छू नहीं सकते। दसाई राजा ने कहा आप मेरी अर्धांगिनी हो, आप मेरी धर्म पत्नी हो, आपके साथ मेरा भावर हुआ है, लगन लगा है, विवाह हुआ है, तो आप मेरे साथ में रहें। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे छू नहीं सकते। जब मना किया फिर भी राजा ने जबरदस्ती उस कलावती के स्पर्श कर दिया और स्पर्श जैसे ही करा तो कलावती के स्पर्श करते ही दसाई राजा के हाथ में कंपन उत्पन्न हुआ और दसाई राजा भूमि पर पटक कर जमीन पर गिर गया, जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। दसाई राजा जमीन पर पड़ा हुआ है, मूर्छा में पड़ा हुआ है, पूरे हाथ में कंपन उत्पन्न हो गया, जमीन पर पड़ा हुआ है वो दसाई। अब दसाई राजा जैसे ही भूमि पर गिरा तो राजा ने उस कलावती से पूछा कि एक बात मुझे बताओ कलावती, कि आपका मात्र स्पर्श मैंने किया है, मात्र स्पर्श,
और स्पर्श करने से मेरी यह दशा हो गई कि मैं भूमि पर, मैं जमीन पर मूर्छा खाकर पड़ा हुआ हूँ, जमीन पर गिरा हुआ हूँ। आखिर ये क्यों, इसका कारण क्या? ये कारण मैं श्रवण करना चाहता हूँ, इस कारण को मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों। तब कलावती ने कहा दसाई राजा से, महाराज आप व्यसनों में डूबे हुए हो, आप मदिरा का पान करते हो, मांसाहार करते हो, वेश्यावृत्ति करते हो, वेश्यागमन करते हो, गलत गलत वृत्तियों में आप डूबे हुए हो, गलत गलत वृत्तियों में आप गिरे हुए हो। तो दशाई राजा ने पूछा, तुझे कैसे मालूम कि मैं वेश्याओं में गिरा हुआ हूं, या वेश्यावृत्ति में लगा हुआ हूं, या जुए में लगा हुआ हूं, या मदिरापान में लगा हूं, या मांसाहार में लगा हूं, ये तुझको कैसे मालूम कि मैं किसी भी गलत स्थिति में समाहित हूं, ये तुझे कैसे मालूम है, तुझे ज्ञात कैसे? तो कलावती कहती है कि महाराज मैंने दुर्वासा ऋषि से, दुर्वासा बाबा से बाल्यावस्था में, मात्र मेरी जब 4 वर्ष की आयु थी, और उस 4 वर्ष की आयु में मैंने दुर्वासा ऋषि से शिव मंत्र लिया था, गुरु मंत्र धारण करा था, और गुरु मंत्र में वो शिव मंत्र मुझे दिया गया था महाराज। गुरु मंत्र में मात्र मुझे शिव मंत्र ही प्राप्त हुआ, शंकर का मूल मंत्र। और उस शिव मंत्र जो मैंने जपा है, उस शिव मंत्र का मैंने जो स्मरण किया है, उस शिव मंत्र को मैंने जो भजा है, तो उस मंत्र के जप से, उस मंत्र के स्मरण से अगर कोई गलत है, कोई व्यसनों में डूबा हुआ है, कोई मदिरापान में डूबा हुआ है, कोई मांसाहार में डूबा हुआ है, कोई गलत व्यसनों में डूबा हुआ है, तो वो मेरे नजदीक में नहीं आ सकता, मेरे नजदीक नहीं पहुंच सकता। अगर वो व्यसनों में डूबा हुआ है, तो वो व्यसनों में गिरा हुआ है, तो वो मेरे पास नहीं आ सकता, वो मेरे नजदीक नहीं पहुंचेगा। मेरे पास में नहीं आ पाए। आज इसी कारण आप मेरे स्पर्श करे, और स्पर्श का फल यह हुआ कि आपको मूर्छा खाकर जमीन पर गिरना पड़ा, आपका शरीर बेकार हो गया। उसका कारण केवल इतना है कि आप में शिव की उपासक, मैं शंकर का भजन करने वाली, शंकर के मंत्र जाप का स्मरण करने वाली, शंकर का भजन करने वाली, और उस भजन में डूबने वाली हूँ, इसलिए मेरे स्पर्श से आपकी ये दशा हुई है महाराज, मेरे स्पर्श से आपका ये स्थिति हुई। मंत्र की बड़ी मूलता है, मंत्र की बड़ी प्रबलता है, मंत्र जो जप रहे हो उसका बड़ा क्या हुआ है, साउंड में हो क्या रहा है? एक जनी ऊपर आके बैठो पहले, साउंड वाले भैया, हमने कल भी कहा था यहाँ मंच पे साउंड अच्छा चाहिए। एक आपके जो वहां बात करने आए थे उनको यहाँ बिठाओ ऊपर, प्रेशर खोलिए जरा, प्रेशर मशीनों से, मिक्सर से प्रेशर खोलने से कुछ नहीं होगा। राधे अभी भी तो खोला, इतनी देर से बोल रहे हैं खोल ही नहीं रहे हो, प्रेशर खोलिए उधर से मशीनों से। जितनी आवाज में हम लोग बोल सकते हैं उतनी ही आवाज में बोलेंगे। राधे तो जीवन का, कलावती स्पर्श के लिए कह रही है कि तुमने केवल स्पर्श किया है, और वो स्पर्श का जो फल है वो तुम भोग रहे हो,
स्पर्श का फल। मंत्र की बड़ी ख्याति है। कल आपको कथा में कहा था, मंदिर जाकर आप अगर विचार करते हो कि भगवान संकट काटेगा तो वो भूल जाइए। कल आपको कथा में कह चुके, आप सोचो कि मैं माँ कमला के मंदिर में जा रही हूं तो कमला माँ मेरा संकट काट दे, मैं शिव जी के मंदिर में जा रही हूं तो शंकर जी मेरा संकट काट दे, मैं भगवान के मंदिर में जा रही हूं तो भगवान मेरा संकट काट दे, तो ये बात अब बिल्कुल ध्यान से निकाल दो, ये बात बिल्कुल छोड़ दीजिए। संकट कटेगा तो वो भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन से संकट नहीं कटेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के मंदिर में जाकर अपना संकट कटे वो अलग बात है, पर नाम जाप से, भगवान के भजन से, भगवान के स्मरण से संकट कट जाता है। भगवान के केवल मंत्र जाप। और केवल मंत्र के जाप के स्मरण से संकट कटने का मूल होता है। अभिमान घट जाता है, काम लोभ विषय आसक्ति तृष्णा वासना, ये सब केवल मंत्र जाप से कटने वाली है, केवल मंत्र जाप से। आप जितना जितना जाप, इसलिए हमारे यहां संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने एक ही बात तो कही है कि जपो, जपाओ और जपते रहो। संत ज्ञानेश्वर कर रहे, संत ज्ञानेश्वर जी एक ही बात कर रहे हैं कि जपो, जपाओ और जपते रहो। बस केवल तुम्हारी जीवन में एक चीज धारण करो कि हम चलते फिरते भगवान का स्मरण करते रहें, हम चलते फिरते भगवान का नाम जाप करते रहें, हम चलते फिरते भगवान का भजन करते रहें, हम चलते फिरते मंत्र जाप में लीन रहें, मंत्र जाप जपें, जपाएं, जपते रहें। फिर वही बात आ गई, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर ही उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। दोनों हाथ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर ही उतरहि पारा। ओ मंगल भवन या मंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ हजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ हजर बिहारी। ओ मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ हजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ हजर बिहारी। ओ श्री राम जय जय राम, हरि हरि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, सुमर नर उतरहि पारा।
राम आधारा सुमर सुमर नर उतरई पारा। महाराज केवल नाम जाप से ही जीवन का कल्याण शिव महापुराण कहती है। भगवान का जप करा उस कलावती ने और उस फल से दुर्वासा बाबा से मैंने 4 वर्ष की अवस्था में मंत्र लिया था। मात्र 4 वर्ष की अवस्था में दुर्वासा बाबा से मंत्र लेकर आई थी। कितने वर्ष की अवस्था में? 4 वर्ष की अवस्था। और 4 वर्ष की अवस्था में दुर्वासा बाबा से मंत्र लेकर आई है। उस मंत्र का प्रभाव इतना बना, उस मंत्र की प्रबलता इतनी बनी कि मंत्र जाप में लीन होती चली गई, होती चली गई। जितना जपा जपते गए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सुबह स्नान किया था? हाथ उठाइए। जम के उठाओ जरा, हाथ उठना चाहिए। ठीक है, रख लीजिए। एक बार फिर से उठाइए जिन्होंने स्नान किया था सुबह। रख लीजिए। अब जो सुबह नहाए थे वो हाथ उठाएं। अरे उठाइए जो सुबह नहाए थे। स्नान का मतलब जानते हो? अरे बोलो तो सरी, स्नान का मतलब जानते हो? नहाने का मतलब तो मालूम है ना। बाथरूम में गए, पानी डाला, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया और नहा लिया। इसको कहते हैं, जम के बोलो, नहाना। स्नान का मतलब क्या है? 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। कितने? जम के बोलो जरा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है और 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने क्यों दिए मनुष्य के शरीर में? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, 3.5 करोड़ बार जब मनुष्य के मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तब समझना कि हमारा स्नान हुआ है। अब बोलो स्नान कौन कौन ने किया है? अभी तो हाथ उठाए थे तुमने, अभी तो बोले थे हमने स्नान किया। जबरदस्ती के झूठ झूठ बोलते हो, है जबरदस्ती स्नान? महाराज स्नान करना अर्थात 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का जाप करना, और जब 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का जब जाप हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा स्नान, जम के बोलो जरा, हो गया। तो अब किसी से मत कहना कि तुम स्नान करे हो, बस ये जरूर कह सकते हो कि तुम नहा के आए हो। और कर्म कांड की पुस्तक में अर्थात नित्य कर्मावली के अंतर्गत जो हम लोग कर्म करते हैं या पंडित जी पूजन कराते हैं या मंत्र जाप कराते हैं या अनुष्ठान कराते हैं तो वहाँ आपको कहते हैं स्नान कर कर आइए। क्या बोलते हैं? जम के बोलो जरा, स्नान कर कर आइए। पंडित जी ये नहीं बोलते कि तुम नहा के आइए, क्योंकि नहाना सरल है और स्नान करना कठिन। 3.5 करोड़। अब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लिया एक दिन में? जल्दी बोलो। क्यों? एक बार सतवामा जी के मन में ये बात उठ गई और सतवामा जी ने उसी समय भगवान कृष्ण के सम्मुख में रुक्मणी से कहा, रुक्मणी एक बात ये समझ में नहीं आती रुक्मणी जी कि ये हमारे कृष्ण पर आखिर ये द्रौपदी ने कर क्या रखा है? पति हमारा और भाग के जाए द्रौपदी के पास। अच्छा बड़ा टेंशन रही भाई, ये माना वो हमारी ननंद है, माना वो हमारी ननंद है, पर ऐसा थोड़ी ना होता कि दौड़ दौड़ के ननंद के यहां भाग जाए बार बार जरा जरा सी बात पे, फिर भागे, फिर आए, फिर भागे, जरा जरा सी बात। आखिर क्यों? अब भगवान कृष्ण समझ गए कि सतभामा रुक्मणी के हृदय में जरूर कोई बात चल रही है, इस सतभामा रुक्मणी के चित्त में वृत्ति में कोई ना कोई बात अड़ी हुई है, तो
भगवान जा रहे थे, इतने में रुक्मणी जी ने पूछ लिया, प्रभु कहाँ जा रहे हो, नाथ कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, हम द्रौपदी के यहाँ जा रहे हैं। द्रौपदी क्या? हाँ। सत्वामा जी ने फिर रुक्मणी को कोनी मार के कहा, देख ले, फिर चल दिया, देख जरा, फिर चला। तो इतने में भगवान कृष्ण ने तुरंत उसी समय पर कहा, क्या तुम दोनों हमारे साथ में चल रही हो, क्या आप हमारे साथ चलोगी? सतभामा जी ने रुक्मणी से कहा, जी जी हाँ भरते चलेंगे। क्यों? रुक्मणी जी ने पूछा, क्या करेंगे जाकर? नहीं, चलो आज द्रौपदी को ऐसा मजा चका कर आएंगे ननंद को कि जिंदगी भर अपने पति को कभी नहीं बुलाई, तो चल तो सही। और उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण चले, उसी क्षण चले। चलो, भगवान रुक्मणी सतभामा को लेकर पहुंचे, रुक्मणी सतभामा। और भगवान जब रुक्मणी सतभामा को लेकर जैसे गए तो द्रौपदी बाल बा रही थी, चोटी कर रही थी। इतने में भगवान ने पूछ लिया, क्यों जीजी? और द्रौपदी क्या कर रही है? द्रौपदी की चोटी बना रही है, बाल बा रही है। तो इतने में भगवान बोले,